पेट्रोल हुआ 100 के पार, समाजवादी पार्टियों ने मिठाई बांटकर जताया अपना विरोध। विरोध करने का अनोखा तरीका। जी हां, उत्तराखंड में पेट्रोल के दाम 100 पार कर चुके हैं। देखिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किस तरह प्रधानमंत्री मोदी को खिलाई मिठाई। नितिन कुमार की विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की। अब दोस्तों, देश में पेट्रोल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं और पेट्रोल के दामों को बढ़ने को लेकर आज सपा पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर लड्डू वितरित इन्होंने किए हैं। 99.71 अभी फिलहाल पेट्रोल यहां पर है। क्या कुछ कहेंगे समीर आलम जी, आज आपने यहां पर लड्डू बांटे हैं। देखिए, निरंतर 2014 के बाद जो पेट्रोल के रेट आसमान को छूते जा रहे हैं जी, आज 100 के पार पेट्रोल उत्तराखंड में भी पहुंच गया, जो बहुत ही निंदनीय है। एक गरीब आदमी जो किसी तरह जुगाड़ कर करके अपनी एक मोटरसाइकिल या विक्की का इंतजाम करके उसको अपनी मजदूरी पेशी करने का काम करता था। मोदी जी ने कहा था कि हम 2019 तक महंगाई घटा देंगे। मुझे तो लगता है कि 2022-2024 तक ही गरीबी हटा देंगे, इस देश से गरीब बिल्कुल साफ हो जाएंगे। सिलेंडर 1000 के पार हो चुका, पेट्रोल 100 के पार हो चुका, डीजल भी तकरीबन सेंचुरी मारने के तैयार है। इसी को लेकर के आज हमने यहाँ 100 के पार होने पर अपना रोष जताते हुए हम मुंह मीठा कराकर लोगों को बधाइयां दी हैं, जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। युवा नेता राजा त्यागी हमारे साथ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखना, धन्यवाद मोदी जी। तो किस तरह का धन्यवाद? वैक्सीन को लेकर तो धन्यवाद कर दिया, अब जो बढ़ती महंगाई है उसको लेकर क्या धन्यवाद करेंगे आप? आज इन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार जी। तो पहले तो हम सब मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने महंगाई की मार से जो आज गरीब जनता का उत्पीड़न करा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होके ये काले अंग्रेजों की सरकार है जी। जिनके लिए गरीब होना देश का, इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि देश का गरीब आज किस स्थिति में जी रहा है। इन्होंने जैसे उज्ज्वला गैस योजना दे के बंद कर दिया, क्योंकि ये झूठों की सरकार है। देश में अगर कोई झूठ बोलने का अवार्ड ओलंपिक में चलता तो हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, ठैकू प्रधानमंत्री भी नहीं हम कहते हैं, तो इन्हें वो अवार्ड मिलना चाहिए था ओलंपिक का। और आज इसी को देखते हुए समाजवादी लोगों ने, क्योंकि आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की भी जयंती है, तो हम लोगों ने आज गरीब जनता को 99.71 पैसे जो आज डीजल और पेट्रोल के रेट पहुंच चुके हैं उस उपलक्ष्य में लड्डू बांटे हैं, ताकि जनता को पता चले बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार वाली। वो एक मंत्री जी महोदय हैं हमारे देश में, स्मृति ईरानी जी, आज वो भी गुमशुदा हैं, उनकी भी हम 2-4 दिन में मुझे लग रहा है तहरीरी देनी पड़ेगी, खो गई हैं, क्योंकि वो 2014 से पहले बहुत सड़कों पर दिखी थी, अब वो ढूंढे नहीं दिख रही हैं। और मोदी जी को तो फिलहाल कुछ दिन और रुक जाइए, जनता भी भेजने वाली वापस गुजरात। और पेट्रोल में हर दिन वृद्धि हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे गरीब आदमी को लेकर, क्या कहेंगे, कितना असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है या फिर जो सामाजिकता है जिसमें वे अपना गुजारा करते हैं, उसमें कितना फर्क पड़ रहा है? देखो, गरीब आदमी का तो सरकार में बिल्कुल ही उत्पीड़न हुआ है, ये तो सच्चाई है, क्योंकि उद्योगपतियों की सरकार है, इनके चुनिंदा 5 साथी हैं मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के वो 5 साथी हैं, उन्हीं का ही भला है। बाकी 135 करोड़ जो देश की जनता है उससे प्रधानमंत्री जी को कोई मतलब नहीं है, ये तो वोट देने की जनता है इनके लिए, और बाकी इनके जो सच्चे देशभक्त तो हैं वो इनके लिए। मोदी जी को लड्डू खिला दिए, हाँ जी, वो जरूरी था, क्योंकि धन्यवाद मोदी जी। आप क्या कहेंगे सरपंच जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहे हैं और उन्होंने देश के अंदर एक ऐसा तबका भी पैदा कर दिया है जो कि इस बात का समर्थन करता है, पेट्रोल के दामों की वृद्धि का भी समर्थन करने वाला तबका पैदा कर दिया है। जबकि देखा जाए तो वृद्धि हर हाल में हर एक के लिए नुकसानदायक। लोग कहते हैं मैं तो अगर 200 का भी पेट्रोल हो जाए मैं तो डलवाऊंगा, लेकिन वोट मोदी जी को दूंगा, वो उनका भ्रम है, वो उनको इस तरीके से राजनीतिक उनका मन का जो है वो अपहरण कर दिया गया है, उनको इस तरीके से समझा दिया गया है ताकि वो इस चीज़ को समर्थन करते रहे, जबकि ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद हैं पदाधिकारी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, देखिए जिस तरह मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 4 लोग सरकार चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी बेच रहे हैं, अडानी जी और अंबानी जी खरीद रहे हैं, वो अपनी मर्जी से सरकार को चला रहे हैं, जिस तरह भी हो रही है महंगाई, जैसे उनका स्तर निरंतर जैसे वो लिख के देते हैं लेटर हेड पे। पेट्रोल डीजल में वृद्धि को लेकर सीधा सीधा क्या कहेंगे? बस ये कहेंगे कि भाई ये तो 100 के पार हो ही गया है, हैं जी, और लोगों को भी, जो लोग अंधभक्त हैं इनके, वो तो कह रहे हैं चाहे 200 भी हो जाए 300 भी अहम लेंगे, तो अंधभक्त है, नाश तो इनका ही होना है, क्योंकि गरीब जनता भी इसमें पिस रही है। दोस्तों, 2014 में जब मोदी सरकार आई तब उन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार,
अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा आने वाले सालों में नहीं देखा गया। जो जितनी भी यहाँ पे कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल डीजल को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, एलपीजी गैसों को लेकर जो कीमतें बढ़ी हैं, उसमें जो निचला तबका है उसमें बहुत ही फर्क पड़ा है। अब सरकार क्या करेगी, अगला कदम क्या होगा, आने वाले चुनाव में इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा? नितिन कुमार रुड़की हब से।